हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ एक और सॉल्यूशन वीडियो शेयर करने जा रही हूं, जो है एसेंशियल आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7 बाय एदास गुप्ता एंड ए कुमार। आज हम इसका टॉपिक अर्थमेटिकल प्रॉब्लम की यूनिट 4 प्रॉफिट एंड लॉस की सेकेंड एक्सरसाइज 4B सॉल्व करने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज की प्रीवियस एक्सरसाइज मैंने अपने वीडियो में बता दी है, अगर आपको वो देखना है तो आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने कोई भी मेरा वीडियो मिस किया है इसके प्रीवियस चैप्टर्स का या प्रीवियस यूनिट्स का, तो इसके लिए मैंने लिंक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की हुई है, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ फॉर्मूलेज के साथ। दैट प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस द कॉस्ट प्राइस, ये मैं पहले भी बता चुकी हूं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइज 4A में सॉल्व किए थे। तो नया फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंट के लिए, विच इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन द कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। नेक्स्ट इज लॉस, लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस द सेलिंग प्राइस, एंड लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आज हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट इन द फॉलोइंग केसेस। सो फर्स्ट इज कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹24, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹30। एज वी नो दैट सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, 30 इज ग्रेटर देन 24, सो ये हमारा प्रॉफिट होगा। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस द कॉस्ट प्राइस। ओके, तो सेलिंग प्राइस है ₹30 और कॉस्ट प्राइस है ₹24। सो जब हमने इसको सॉल्व किया वी गॉट आंसर 6, सो दिस इज द प्रॉफिट। सो अब हमको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट परसेंट। सो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। सो प्रॉफिट इज ₹6 डिवाइडेड बाय द कॉस्ट प्राइस दैट इज 24 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 6 4 इज 24 एंड 4 25 इज 100। सो 25% इज द प्रॉफिट परसेंट इन दिस। नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट, कॉस्ट प्राइस इज ₹250 and selling price is 200. So here you can see cost price is greater than the selling price. So यहां पर आप लिख सकते हैं cost price is greater than the selling price. So we have to bear a loss. So यहां पर formula हो जाएगा cost price minus the selling price and ₹250 minus ₹200, it is ₹50. So यहां पर हम calculate करेंगे loss percent. सो लॉस इज ₹50, हमने इसका फॉर्मूला लिखा है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। सो लॉस इज ₹50 डिवाइडेड बाय द कॉस्ट प्राइस दैट इज 250 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 5 5 इज 25 एंड 20 टाइम इट विल बी 100। सो आंसर इज 20% विच इज लॉस परसेंट। थर्ड पार्ट इज सेलिंग प्राइस इज ₹360 एंड कॉस्ट प्राइस इज 300। सो यहां पर आप देख सकते हैं सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, सो वी आर गोइंग टू हैव अ प्रॉफिट दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस द कॉस्ट प्राइस दैट इज ₹360 माइनस ₹300 विच इज इक्वल टू ₹60। सो वी नीड टू कैलकुलेट हियर प्रॉफिट परसेंट। सो फॉर्मूला मैं बता चुकी हूं, दैट इज प्रॉफिट दैट इज 60 डिवाइडेड बाय द कॉस्ट प्राइस 300 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये जीरो से जीरो कैंसिल एंड 320 टाइम इज 60, सो इट इज 20% द प्रॉफिट परसेंट। नेक्स्ट इज अ फोर्थ पार्ट, सेलिंग प्राइस इज ₹1600 एंड कॉस्ट प्राइस इज ₹1800। So we can see here cost price is greater than the selling price. So we'll have a loss here. Loss is equal to cost price minus the selling price, which is ₹1800 minus ₹1600, and that will be ₹200.
So now we'll be calculating here the loss percent. Loss percent के लिए भी मैंने formula बताया था, that is loss, that is 200 divided by the cost price 1800 multiplied by the 100. This zeros will be cancelled. So 200 times and 2 9s is 18. So 100 upon 9% को हम mixed fraction में लिख सकते हैं, which will be equal to 11 1 by 9%. Hence this is the solution. Next question number 2. Rajesh bought a TV for rupees 8000 and sold it for rupees 8560. Find his profit or loss percent. तो सबसे पहले यहां पर गिवन है हमको कॉस्ट प्राइस, दैट इज रुपीज 8000 एंड सेलिंग प्राइस इज गिवन रुपीज 8560. सो सबसे पहले यहां देख सकते हैं दैट सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस. सो यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट. सो प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला हम यूज कर रहे थे सेलिंग प्राइस माइनस अ कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस इज रुपीज 8560 माइनस रुपीज कॉस्ट प्राइस दैट इज 8000. सो वी हैव द आंसर इज 560 रुपीज एज द प्रॉफिट. सो नाउ वील कैलकुलेट द प्रॉफिट पर्सन. देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट दैट इज 560 डिवाइडेड बाय the cost price multiplied by 100. ये सारे zeros cancel हो जाएंगे and we know that 8 sevens is 56. So 7% is the profit percent. So यहां पर आप लिख सकते हैं therefore Rajesh profit is 7%. Hence this is the solution. Next is question number 3. Neha bought a dress for rupees 1000 and sold it for rupees 950. Find her profit or loss percent. So, yahan par aap likh sakte hain that the cost price is rupees 1000 and selling price is rupees 950. As you can see here that cost price is greater than the selling price. तो कॉस्ट प्राइस जब भी ज्यादा होती है सो वी हैव अ लॉस. देयरफॉर कॉस्ट प्राइस माइनस द सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 1000 माइनस द सेलिंग प्राइस रुपीज 950. सो योर लॉस इज ऑफ रुपीज 50. नाउ वील कैलकुलेट द लॉस परसेंट व्हिच इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय द कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100. ये तीनों जीरोस कैंसिल हो जाएंगे. सो आंसर इज 5%. सो वी कैन राइट हियर देयरफॉर नेहास लॉस इज 5%. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. अ शॉपकीपर बॉट अ फैन फॉर रुपीज 840 फर्स्ट पार्ट. एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%. Second part, if he makes a loss of 5% by selling it, what is the selling price? So, सबसे पहले हम इसका first part solve करेंगे, जिसमें कि आपको cost price given है rupees 840 and profit is given 10%. This is the profit percent. Here it is the profit percent. So, सबसे पहले हम calculate करेंगे profit, which is equal to profit percent multiplied by the cost price divided by 100. मैंने इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा ट्विस्ट करके लिखा है. सो यहां पर प्रॉफिट परसेंट है हमारे पास 10, कॉस्ट प्राइस इज 840 एंड डिवाइडेड बाय 100. सो ये सारे जीरोज हम कैंसिल कर देंगे. सो प्रॉफिट आ गया हमारे पास रुपीज 84. सो दिस इज योर प्रॉफिट. तो यहां पर आपको कैलकुलेट करना ही सेल्स इट, मतलब सेलिंग प्राइस आपको कैलकुलेट करनी है. सो सेलिंग प्राइस के लिए फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, दैट इज द कॉस्ट प्राइस प्लस द प्रॉफिट. सो कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 840 प्लस द प्रॉफिट रुपीज 84.
So this is going to be rupees 924. So this is the selling price at the profit of 10%. Next, second part. अगर कॉस्ट प्राइस आपकी यही रहती है दैट इज रुपीज 840 एंड लॉस परसेंट इज गिवन दैट इज 5%. सो वी कैन फर्स्ट कैलकुलेट द लॉस. लॉस के लिए फॉर्मूला हो जाएगा लॉस परसेंट मल्टीप्लाइड बाय द कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय 100. सो लॉस परसेंट इज 5 मल्टीप्लाइड बाय द कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय 100. सो ये हमने कैंसिल कर दिया. 5 2s are 5 4s are 5 2s are. So rupees 42 is the loss. As we know, the selling price is equal to cost price minus the loss. Cost price is rupees 840 minus the loss, that is rupees 42. So it will be 798 as a selling price. Therefore, the selling price of fan is rupees 798. So, इस तरीके से आप इसको present कर सकते हैं. Next question number 5. The cost price of a necklace is rupees 4600. Find the difference between the selling prices of the necklace at the profit of 5% and at the loss of 5%. तो यहां पर हम इस क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट केस हम ले लेते हैं केस वन, जिसमें कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द नेकलेस इज रुपीज 4600 एंड प्रॉफिट परसेंट इज 5%. तो सबसे पहले हम यहां पर सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. सो प्रॉफिट will be equal to profit percent multiplied by the cost price divided by 100. तो ये फॉर्मूले मैंने यूज किए एक ये वाला और एक ये वाला. सो यहां पर हम ये जीरोस कैंसिल कर देंगे. सो प्रॉफिट विल बी इक्वल टू रुपीज 230. अब हम कैलकुलेट करेंगे इसकी सेलिंग प्राइस. सो सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस द प्रॉफिट. Cost price is rupees 4600 plus the profit, that is rupees 230. So, जब हम इसको calculate करेंगे, it will be 4830 is the selling price. अब हम solve करेंगे case 2, जिसमें कि cost price हमको दी है rupees 4600, but we'll have a loss percent of 5%. So, इसके लिए सबसे पहले हम लॉस कैलकुलेट करेंगे. सो लॉस के लिए फॉर्मूला है लॉस परसेंट मल्टीप्लाइड बाय द कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय 100. ये जीरो से ये जीरो कैंसिल. फिर से हमारा आंसर आ जाएगा 230. दैट विल बी द लॉस. सो सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस द लॉस. सो वील हैव द कॉस्ट प्राइस एज रुपीज 4600 माइनस रुपीज 230. सो योर आंसर इज गोइंग टू बी 4370 as the selling price. So, अब दोनों ही केस हमने सॉल्व कर दिए हैं. वी नीड टू फाइंड द डिफरेंस. सो देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू दैट इज रुपीज 4830 माइनस रुपीज 4370. जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे वील गेट द वैल्यू एज रुपीज 460. हेंस दिस इज द सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. फर्स्ट पार्ट. अ शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 60 बाय सेलिंग अ स्वेटर फॉर रुपीज 660. फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट. तो यहां पर आपको प्रॉफिट गिवन है दैट इज रुपीज 6 and selling price is given rupees 660. So, हम calculate करेंगे cost price which is equal to selling price minus the profit. Selling price is rupees 660 minus rupees, sorry this is 60. So, hence the cost price is rupees 600.
So now we'll calculate the profit percent. So profit percent is equal to profit upon the cost price multiplied by 100. So ye zero se zeros cancel ho gaye. This will be cancelled 10 times. So 10% is a profit percent. Second part is Kareem sells a shirt for rupees 350 and makes a profit of rupees 100. Find his profit percent. So sabse pehle hum yahan par profit likh lete hain. Profit is rupees 100 and selling price is rupees 350. So now we'll calculate the cost price, which is equal to selling price minus the profit. Selling price is rupees 350 minus the profit, that is 100, and it will be rupees 250. Now the profit percent. Profit percent is equal to profit divided by the cost price multiplied by 100. So we'll cancel this. 25 4 times ye cancel ho jayega. So it will be 40%. Hence profit percent is 40%. Next question number 7, first part. A man incurs a loss of rupees 40 by selling the cosmetic for rupees 360. Find his loss percent. So yahan par aapko given hai loss, which is rupees 40, and selling price is given, that is rupees 360. So now we'll calculate the cost price, which is equal to selling price plus loss. Selling price is rupees 360 plus loss rupees 40. So cost price is 400. Now we'll calculate loss percent. So loss percent is loss divided by the cost price multiplied by 100. So zeros will be cancelled and 4 tens are. So loss percent is 10%. Next, a dealer sells a pack of CDs at 1350 and suffers a loss of rupees 250. Find his loss percent. So sabse pehle humko yahan par selling price given hai, that is rupees 1350, and loss is given, that is rupees 250. So we'll calculate the cost price by formula selling price plus the loss. Selling price is rupees 1350 plus the loss rupees 250. On addition, we'll get 1600 rupees is the cost price. So loss percent is equal to loss divided by the cost price multiplied by 100. Ye 0 se 0 cancel ho gaya. We'll divide this by 2. 2 8s are, 2 1s are, 2 2s are, and 2 5s are. So 125 by 8% ko hum likh sakte hain as 15.5 by 8% as the answer. Next is question number 8. A man sells a sari for rupees 2100 and makes a profit of 16.2 by 3%. Find the cost price of the sari. So sabse pehle yahan par hum selling price likh dete hain, that is rupees 2100, and we have profit percent as 16.2 by 3%, jisko hum likhenge 50 by 3% as a simple fraction. Aur yahan par aapko cost price of the sari nikalna hai, to yahan hum assume kar lete hain, let the cost price of sari be rupees 100. Ye humne abhi assume kar liya hai. So we can say that profit of 50 by 3% will be 50 by 3% of rupees 100. So we can get this as 50 by 3
डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 रुपीज, सो ये कैंसिल हो गया. सो वील हैव दिस एज 50/3 रुपीज. सो दिस इज द प्रॉफिट. नाउ द सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस द प्रॉफिट. सो कॉस्ट प्राइस हमने एज्यूम किया है अभी रुपीज 100 एंड वी हैव कैलकुलेटेड द प्रॉफिट एज रुपीज 50/3. सो ऑन टेकिंग द एलसीएम एंड सॉल्विंग वील हैव दिस एज 350/3 रुपीज एज द सेलिंग प्राइस. सो नाउ वी हैव कैलकुलेटेड द सेलिंग प्राइस दैट इज रुपीज 350/3. सो इफ द सेलिंग प्राइस इज रुपीज 350/3 देन द कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 100 एंड इफ द सेलिंग प्राइस इज रुपीज 1 देन द कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 100 डिवाइडेड बाय 350/3. सो इफ द सेलिंग प्राइस इज रुपीज 2100 देन द कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 100 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 350 मल्टीप्लाइड बाय 2100. सो एक जीरो से ये कैंसिल हो गया. 7 5 इज 35 एंड 7 3 सो 30 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा. 5 6 इज 30 हेंस इट विल बी रुपीज 1800. सो देयरफॉर द कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी इज रुपीज 1800. सो यहां पर मैंने ये यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट किया है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. अ शॉपकीपर इनकर्स अ लॉस ऑफ 12% बाय सेलिंग अ सीडी प्लेयर फॉर रुपीज 1760. एट व्हाट प्राइस डिड द शॉपकीपर बाय द सीडी प्लेयर. तो सबसे पहले यहां पर हमको लॉस परसेंट गिवन है. लॉस परसेंट इज 12% एंड द सेलिंग प्राइस इज गिवन रुपीज 1760. सो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट द कॉस्ट प्राइस बी रुपीज 100. सो यहां से सबसे पहले हम लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं. लॉस इज इक्वल टू लॉस ऑफ 12% विच इज इक्वल टू 12% ऑफ 100. सो 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 सो इट विल बी रुपीज 12. सो दिस इज द लॉस. सो नाउ वी विल कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस विच इज इक्वल टू रुपीज 100 माइनस रुपीज 12 सो इट इज इक्वल टू रुपीज 88. सो इफ द सेलिंग प्राइस इज रुपीज 88 देन द कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 100 एंड इफ द सेलिंग प्राइस इज रुपी 1 देन द कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 100 अपॉन 88 एंड इफ द सेलिंग प्राइस इज रुपीज 1760 देन द कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 100 डिवाइडेड बाय 88 मल्टीप्लाइड बाय 1760. सो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे वील गेट द वैल्यू एज रुपीज 2000. Therefore, cost price of CD player is rupees 2000. Hence, this is the solution.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. अ डीलर सफर्स अ लॉस ऑफ 10% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 2520 एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 4%. तो सबसे पहले हम यहां पर गिवन लिख लेते हैं, दैट इज द लॉस परसेंट इज गिवन 10% एंड द सेलिंग प्राइस इज गिवन रुपीज 2520. लेट द कॉस्ट प्राइस बी रुपीज 100 और यहां से हम लॉस कैलकुलेट कर देंगे विच इज इक्वल टू लॉस ऑफ 10% ऑन दिस. सो 10% ऑफ रुपीज 100 विल बी 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट विल बी रुपीज 10. So now the selling price will be equal to cost price minus the loss. Cost price is rupees 100 minus the loss 10, which is equal to rupees 90. So now applying the unitary method, if the selling price is rupees 90, then the cost price is rupees 100 and if the selling price is rupees 1 then the cost price is rupees 100/90 and if the selling price is rupees 2520 then the cost price is rupees, this is 100. So 100/90 multiplied by 2520. So jab hum isko solve karenge, we'll get this as rupees 2800. Therefore, the cost price of the article is rupees 2800. तो अब हमको बताना है what price should he sell, मतलब selling price बताना है with a profit of 4%. So cost price हम calculate कर चुके हैं and profit percent is 4%. So यहां से पहले हम profit calculate कर देंगे which is equal to profit percent multiplied by the cost price divided by 100. So 4 multiplied by 2800 divided by 100. Ye 0 se 0 cancel ho gaye. So we'll get the profit of rupees 112. So therefore selling price will be equal to cost price plus the profit. Cost price is rupees 2800 plus rupees 112 of the profit. So we'll get the answer as rupees 2912 as the complete value. Next question number 11. A shopkeeper sells some plastic chair for rupees 1296. He will make a profit of 8% but he sells them at a loss of 5%. What is his selling price? So sabse pehle hum given jot down kar dete hain. We are being given selling price as rupees 1296 and profit percent is 8%. So let the cost price be rupees 100. So sabse pehle hum calculate karenge profit which is equal to profit percent of rupees 100. So it is 8% of rupees 100, which is 8/100 multiplied by 100, that is rupees 8. So hence we have got the profit as 8 rupees. So selling price will be equal to cost price plus the profit. So cost price is here rupees 100 plus the profit is rupees 8, so it is rupees 108 as the selling price.
Now, applying the unitary method, if the selling price is ₹108, then the cost price is ₹100. And if the selling price is ₹1, then the cost price is ₹100/108. And if the selling price is ₹1296, then the cost price is 100/108 multiplied by 1296. And on solving this, we'll get this as ₹1200 as the cost price. So therefore, the cost price of the chairs is ₹1200. So now the question arises, if he loses for 5%. So loss percent is given, 5%, cost price is given. So we'll calculate here the loss, which is equal to 5 multiplied by 1200 divided by 100. Ye zero se zero cancel, so it will be ₹60 as a loss. So hence we'll calculate the selling price as a cost price minus the loss. Cost price is ₹1200 minus the loss of ₹60. Hence your answer is 1140 as the answer. Next question number 12. A man makes a profit of 20% by selling sweets for ₹960. What will be his profit or loss percent if he sells them for ₹840? So, सबसे पहले हमको profit percent given है, that is 20%, and the selling price is given ₹960. So now we'll calculate the cost price first. Let the cost price be ₹100. तो यहां से पहले हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर देते हैं एज अ प्रॉफिट परसेंट ऑफ ₹100 विल बी 20% ऑफ ₹100 दैट इज 20/100 multiplied by 100 विल गेट दिस एज ₹20. सो हेंस वी कैन कैलकुलेट हियर द सेलिंग प्राइस विच इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस द profit, that is ₹100 plus ₹20 as ₹120. So if selling price is ₹120, then cost price is ₹100. And if selling price is ₹1, then cost price is ₹100/120, and if the selling price is ₹960, then cost price is equal to 100/120 multiplied by 960. So ye zero se zero cancel, this will be cancelled 12 8s, hence it is ₹800. Therefore, the cost price is ₹800 of the sweets. So, अब इसने selling price है 840, which is being given. Selling price is ₹840 given. So, we can see here selling price is greater than the cost price. So, first we'll calculate the profit. Profit is ₹840 minus ₹800, that is ₹40. So now we'll calculate here the profit and loss percent. Se hum profit percent nikalenge because we have got the profit, that is of ₹40, divided by the cost price, that is 800 multiplied by 100. Ye zero se zero cancel, and 8 5 is 40. Hence the profit percent is
5%. Next, the last question, question number 13. A shopkeeper makes a loss of 6% by selling a pair of jeans for ₹564. What will be his profit or loss percent if he sells it for ₹675? तो सबसे पहले हम यहां पर loss percent given लिख देंगे 6%. And the selling price is given ₹564 and let the cost price be ₹100. And now we'll calculate here the loss, which is equal to loss percent of cost price, that is 100, that is 6% of 100, which is equal to 6 upon 100 multiplied by 100. We'll get this as ₹6. So, selling price is equal to cost price minus the loss. Cost price is ₹100 minus the ₹6, which is equal to 94. So, hence, if the selling price is ₹94, then cost price is ₹100 and if the selling price is ₹1, then cost price is ₹100 upon 94. And if the selling price is ₹564, then cost price is ₹100 upon 94 multiplied by 564. And on solving this, we'll get this as 6 times. So, ₹600 is the cost price. Now, we can write here, therefore, the cost price of jeans is ₹600. And we are being given selling price of ₹675. So now we can see the selling price is greater than the cost price. So hence it is the profit. So profit is equal to selling price minus the cost price. Selling price is ₹675 minus ₹600. Hence the profit is ₹75. So now we'll calculate here the profit percent, which is equal to profit divided by the cost price multiplied by 100. A 0 se a 0 cancel. We can cancel this by 3 2s are 3 2s are 6 and 3 5s are 15. So it is 25 by 2%, or we can write this as 12 1 by 2% as the answer. आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. एट लास्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.